हाल ही में पता चला है कि इंडिया में एक जानलेवा वायरस ने एंट्री कर ली है, पर अभी अभी पता चला है कि ये सिर्फ मामूली वायरस है। जी हाँ, सही सुना आपने, तस्वीर में दिख रहा ये इंसान जानलेवा वायरस से भी खतरनाक वायरस है जो आपके आसपास घूम रहा है, और एक बार किसी के दिल में घुस जाए तो इसे निकालना नामुमकिन है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें और इनसे बचकर रहें। नमस्कार भारतवासियों, लॉकडाउन ने कई लोगों को परेशान किया है, पर ये देवी तो मानो इसके मजे उठा रही है। डालगोना कॉफी की तरह नई रेसिपीज बनाकर फोटो डालना, साड़ी चैलेंज जैसे नित नए चैलेंजेस उठाना, खुद महारानी बनकर सबसे काम निकलवाना इनकी दिनचर्या है। खुदा जाने लॉकडाउन खत्म होते होते ये क्या क्या करतब कर दिखाएगी। कहते हैं इंसान की पहचान उसके दोस्तों से होती है, और एक अच्छा दोस्त इंसान को जीते जी स्वर्ग का एहसास कराता है। आज हम दोस्तों के ऐसे ही एक ग्रुप की बात करने वाले हैं जिनमें इतना प्यार है कि उनकी मिसालें दी जा सके। जी हाँ, ये एक ऐसा नायाब ग्रुप है जिसमें एक दूसरे की टांग खींचने में से कोई बाज नहीं आता, पर समय आने पर मुश्किलों का सामना डट के करते हैं ये दोस्त। बड़े ही भाग्यशाली हैं वो लोग जिनको ऐसे दोस्त मिलते हैं। काश मैं भी इस ग्रुप का हिस्सा होती। नमस्कार, इस चुनावी माहौल में बड़ी खबर ये आ रही है कि फोटो में दिखने वाले इस शख्स को आपके शहर की बैठक से नेवर सिंगल पार्टी के वरिष्ठ नेता के तौर पर चुना गया है। वे दावा करते हैं कि अगर उन्हें पीएम बनाया गया तो देश के हर एक नवयुवक को रिलेशनशिप फंडिंग पहुंचाई जाएगी और देश का हर एक नवयुवक अकेलेपन और तन्हाई से बच जाएगा। तो आओ हम सब मिलकर इस दिलदार नेता को वोट दें, क्योंकि प्यार में पड़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। हाल ही में पता चला है कि इंडिया में एक जानलेवा वायरस ने एंट्री कर ली है, पर अभी अभी पता चला है कि ये सिर्फ मामूली वायरस है। जी हाँ, सही सुना आपने, तस्वीर में दिख रहा ये इंसान जानलेवा वायरस से भी खतरनाक वायरस है जो आपके आसपास घूम रहा है, और एक बार किसी के दिल में घुस जाए तो इसे निकालना नामुमकिन है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें और इनसे बचकर रहें। नजा के वक्त जब मेरी सांसों में इंतिशार हो, मेरी नजर के सामने गुंबद हो वो हरा फकत, मेरी नजर के सामने गुंबद हो वो हरा फकत। कोई अगर बीमार पड़े तो हॉस्पिटल मत ले जाना, वरना कोरोना के मौसम में तुमको पड़ेगा पछताना। जहरीले इंजेक्शन देकर मौत की नींद सुलाते हैं, क्योंकि उन्हें लाशों पर मिलता है डॉलर का नजराना। अब तो मसीहा लोगों ने पहनी कातिल की वर्दी है, दहशतगर्दी।